जैसा कि हमारे करण क्षेत्र से भी देखा नाई दसन जी भाई, उनकी अम्मी पहले एमपी भी रही, उनके अब्बा भी रहे, दादाजी भी रहे, तीसरी बार लगातार भी देखे हैं। क्षेत्र में बहुत काम करवाया, गरीब आदमी से बहुत मोहब्बत करें। नमस्कार दोस्तों, बहुत दिनों पहले हमने आपको दो वीडियो दिखाए, आपने काफी पसंद किए और अब फिर एक और वीडियो। आज हम वही जुल्फान भाई के पास आए हैं। जो मुद्दे लगातार देश में चल रहे हैं, जिन मुद्दों को लेकर लगातार टीवी डिबेट हो रहे हैं, उसी मुद्दे को लेकर बातचीत करेंगे और बातचीत के साथ साथ ये भी जानेंगे कि खासकर शामली में इतनी शांति क्यों है, क्यों यहाँ दंगे नहीं भड़कते, क्या कारण है इसके पीछे, क्या लोग जागरूक हैं या फिर कोई इसकी तरफ ध्यान नहीं देता, जानबूझकर इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता, या फिर यहाँ के नेताओं की वजह से ऐसा कुछ है। नूपुर शर्मा के कारण आपने देखा होगा, उदयपुर में एक घटना हो जाती है, एक दर्जी को मार दिया जाता है, उसके बाद हिंदुओं की पोस्ट भड़काने वाली पोस्ट शुरू हो जाती है, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ओबीसी प्रधानमंत्री बन जाएगा, और भी न जाने की किस किस तरह की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो ज्ञान प्राप्त विद्यार्थी हैं वो लगातार इन बातों को शेयर करते हैं और शेयर करने के साथ साथ कस्में तक दी जाती हैं, अगर आपको इसको शेयर नहीं किया तो आपको ये पाप लगेगा, वो पाप लगेगा। अब अपने अहम मुद्दों से हटकर किसान के जो बच्चे हैं वो धर्म की बात कर रहे हैं, जहां उन्हें अपनी खेती की, अपनी फसलों की, अपनी नस्लों की बात करनी थी, वो बच्चे आज बात कर रहे हैं तो उन चीजों की बात कर रहे हैं कि ये क्या घटना घटी देश में हो रही है। बातचीत करेंगे, भाई जुल्फान हमारे साथ हैं। आपने पहले एक वीडियो निकाला, बहुत ज्यादा मतलब पसंद आया, भैंसों की इनकी वीडियो थी, आपने YouTube पर भी और Facebook पर भी दोनों जगह वीडियो को काफी पसंद किया। बातचीत करेंगे और जानेंगे ये क्यों घटना क्यों घट रही है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी अनिरुद्ध भाई, आप सुनाओ। बढ़िया है। अच्छा, आप किस तरीके से देख रहे हैं नूपुर शर्मा के बयान को, आप किस तरीके से देखते हैं, क्या आपको कुछ साजिश नजर आ रही है इसमें कि मतलब किसी राजनीतिक फायदे के लिए सब बोला गया है? देखो, अगर हमारा अपना विचार, हम तो इन चीजों का खंडन करें, बिल्कुल बिल्कुल खंडन करते हैं, इन चीजों से बहुत दूर रहें। और जैसा कि इन्होंने एक टिप्पणी करी मोहम्मद साहब, अगर सरकार चाहे तो उस पर एक्शन ले लेती तो उदयपुर में इतनी बड़ी घटना ना होती, बच्चे यतीम ना होते। इसमें दोनों ही कम्युनिटी के लोग हैं, चाहे हिंदू समाज के हों चाहे मुसलमान समाज के हों, कुछ ऐसा सामाजिक तत्व जो होते हैं ना, वे सारी बिरादरियों में हों और वे छोटी छोटी बात ने लेकर बहुत बड़ी करते हैं। जैसा कि यह टिप्पणी हुई थी, आप भी देख रहे होंगे, हमारे इलाके में तो ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ भाईचारे में कोई कमी नहीं, ना ही कोई इन चीजों पर ध्यान दे रहा, लेकिन बाहर के स्टेटों में ये बात बहुत बड़ी हो रही। अगर सरकार इस पर संज्ञान लेती, टिप्पणी नूपुर शर्मा ने करी थी, तो यह नौबत ही नहीं आती। उसके बाद जो दूसरा झटका ही आया, एक गरीब आदमी था कपड़े सीवने वाला, कोई वो ऐसा तो था नहीं, और ऐसा भी नहीं है भाई, फोन पर तो टिप्पणी कर भी दे, अगर उसने भी कुछ उसके समर्थन में कर दिया तो इतना बड़ा कदम उठाना नहीं चाहिए था, बिल्कुल बहुत गलत काम करा, और ऐसे लोगों को सरकार ने सजा देनी चाहिए और सजा के हकदार भी है। सरकार ने तो अब उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है तो, लेकिन कुछ लोगों का कहना यह है कि अगर ये घटना उत्तर प्रदेश में होती तो योगी जी सख्त से सख्त एक्शन लेते, घरों पर बुलडोजर चल गए होते और गिरफ्तारी की जगह विकास दुबे वाला भी हाल हो सकता था। मुझे तो ऐसा लगता नहीं। तो आपको क्यों नहीं लग रहा है सर? आप एक बात बताओ, स्टेट तो छोटे बड़े तो हो सके, मुख्यमंत्री तो बराबर ही हो, कुर्सी बराबर ही, पावर हो, अगर राजस्थान में हुआ उन्हें भी फुल एक्शन लेना चाहिए, वो भी अपनी कुर्सी के मालिक हैं, योगी जी भी अपनी कुर्सी के मालिक हैं, ऐसा तो नहीं है भाई, मैं उस पर डील करेंगे, क्यों करेंगे डील, करनी नहीं चाहिए डील।
क्या लग रहा है, क्या आगे ऐसी घटना घटित होती रहेंगी, क्या 2024 के लिए तैयारी की जा रही है? क्योंकि मैंने सोशल मीडिया पर बहुत सारे सवाल पढ़े हैं कि जो तैयारी हो रही है वो 2024 की है और अभी से नींव रखी जा रही है, क्योंकि 2013 से पहले, जब वो सॉरी 2014 से पहले 2013 में भी यही नींव रखी गई थी, जो मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे उसी को लेकर अब की बार उदयपुर से शुरुआत हुई है, राजस्थान से शुरुआत हुई। देखो चौहान साहब, हम किसी पार्टी से जुड़े हुए तो है नहीं, या ना कोई हम नेता हैं, हम तो अपने गांव के सीधे साधे किसान हैं। अगर हम इसमें अपनी राय दें, देखो बिल्कुल यू पड़यंतर सरकार बनाने का है। पहले भी ऐसी घटना हुई, आज की ये घटना ले लो भाई। महंगाई का एक बहुत जबरदस्त मुद्दा है, मुद्दा भटकाने के लिए यू मुद्दा खड़ा हो गया। हर आदमी दिशा हट गया। पहले मुद्दों पर चुनाव नहीं होया, 2022 का चुनाव मुद्दों पर नहीं होया, हिंदू मुस्लिम पर चुनाव होया। आज 2024 की तैयारी चली हो हिंदू मुस्लिम की है। पहली तो बात ओबीसी का यहाँ की है, ओबीसी करो वहां अपने प्रदेश में करो, यहाँ के मतलब है ओबीसी का। कोई मुसलमान है यहाँ ओबीसी के रिश्तेदार है, क्यों ओबीसी तो वोट देंगे? ऐसा नहीं है मुसलमान बीजेपी से वोट नहीं दे सकता। दे सके तो नहीं दे सकता। तो आप किसको वोट करेंगे? आपके क्षेत्र के नेताओं को वोट करेंगे, या फिर कम्युनिटी देखकर वोट करेंगे, या फिर धर्म देखकर वोट करेंगे? आप क्या देखकर वोट करेंगे, किसके लिए वोट करेंगे? हम तो असली बात तो है यार, अपने क्षेत्रीय नेताओं से ही ज्यादा तरजीह देते हैं, क्योंकि इन लोगों का ही 90% योगदान है। 90 के 100 कह लो, शांति बनाए रखने का भी है, विकास का भी है। जैसा कि हमारे करण क्षेत्र से भी देखे नाई दसन जी भाई, उनकी अम्मी पहले एमपी भी रही, उनके अब्बा भी रहे, दादाजी भी रहे, तीसरी बार लगातार भी देखे हैं ये। क्षेत्र में बहुत काम करवाया, गरीब आदमी से बहुत मोहब्बत करें, किसी के दुख सुख में जाकर वही बैठे हैं। ऊपर के नेता तो यहाँ के बैठते नहीं, हम अपना दुखड़ा रोन जाओ निकले जाओ। और करण सीट है या मेरी सीट सामने ली है। मेरी सीट पर यहाँ मंत्री जी हैं वीरेंद्र सिंह, उनके लड़के हैं मनीष चौहान भाई जी। पहली बार मनीष चौहान चेयरमैन बने, गांव में दो लेवर रही, यहाँ 2 साल तक के गांव में काम करा, गांव का चंडीगढ़ बना दिया। मेरे ख्याल से तो कोई 100 फुट का टुकड़ा मेरे गांव में होगा नहीं सीसी का, जो कोई पड़ा हुआ कार्ड। गांव में बतेरा काम करवा, बहुत विकास करवा, शांति बनाए रखने की बात है। ये लोग बीजेपी में चले गए उसके बाद में, लेकिन इनकी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं आती है जिस तरह के जनता का कोई नुकसान हो, या जनता भड़के, जनता का काम करें। हालांकि इनका टिकट नहीं हुआ अब की बार, इसकी बार यहाँ से प्रसन्न जी विधायक हैं। प्रसन्न जी कैसे व्यक्ति हैं? प्रसन्न जी क्या हिंदू मुस्लिम को लेकर बात करते हैं, या फिर लगातार लोगों के बीच रहकर लोगों के काम करने के लिए वो आगे रहते हैं? हम भी प्रसन्न जी के साथ थे। वैसे तो हम पहले से लोकसभा में तो नाई दसन से वोट दिया करें, और विधानसभा में वीरेंद्र मंत्री जी तो बगल हम गए नहीं, लेकिन इनका टिकट नहीं होया, हम प्रसन्न जी के साथ रहे। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और सारे समाज ने साथ लेकर चलने वाले हैं, भाईचारे ने लेकर चलने वाले हैं। लोगों में अच्छा प्यार रखे, आना जाना अच्छा रखे, अच्छे व्यक्ति लगे हमें तो। तो आप क्या लगता है, क्योंकि अब 2024 का चुनाव नजदीक है और लोग ये भी कह रहे हैं कि इकरा हसन का टिकट यहाँ से हो सकता है, प्रसन्न चौधरी भी उसी दौड़ में हैं, और एक तरफ मनीष चौहान या फिर मंत्री जी भी उसी दौड़ में हैं, लोगों का मानना ऐसा है, मैं जहां भी जाता हूँ मेरे से यही बात की जाती है कि आपको क्या लगता है? अब मुझे क्या लगता है वो अलग बात है, लेकिन आम जनता जनता क्या चाहती है? प्रदीप चौधरी, वीरेंद्र सिंह, ये इकरा हसन या प्रसन्न चौधरी, आपको कौन मजबूत नजर आ रहा है? आप किसको चाहते हैं कि लोकसभा में जाए? आम जनता की आवाज, क्षेत्रीय लोगों की आवाज और कैराना लोकसभा की आवाज वहां तक उठाए? देखो प्रसन्न तो बहुत कर रहा है, जो आपने कर दिया
भाई जैसे हमारे फिलहाल लोकसभा के एमपी हैं प्रदीप जी, वे जिला सहारनपुर से, हमारे जिले में कम आना जाना है उनका, कम लोग जानते हैं, उतने उनके विकास भी नहीं है जो मानने वाली बात है। और जैसा आपने नाम लिया इकरासन, इकरासन तो नवचर्चित चेहरा है, लड़की है, जनता के लिए बहुत ज्यादा प्यार जनता का उसे मिल रहा, नाई दसन का चुनाव भी उसे लड़ाया, टिकट उसको हो जा तो और अच्छी बात है। मैं मंत्री जी हैं, इन्होंने यहाँ मेरे ख्याल से 40 साल 42 साल सेवा कर ली, मैं मेरे बड़े भी इनके साथ रहे, हम भी इनके साथ रहे, इनका हो जाएगा तो हम तो इनसे भी इतने राजी हैं, इनकी गेल खड़े हो जाएंगे। देखो हमें तो ये नहीं कि जिंदाबाद बोलनी, इन्हीं से अपना दुखड़ा सुनाना, इन्हीं से काम लेना। नहीं, प्रसन्न लोग तो प्रसन्न चौधरी का भी जिक्र कर रहे हैं कि प्रसन्न चौधरी भी उसी दौड़ में है। और आप देख भी रहे होंगे सोशल मीडिया पर, कैराना, शामली और थाना भवन तीनों सीटों पे घूम रहे हैं, जबकि कैराना में विधायक अशरफ अली खान है, वो खुद शामली से हैं, और कैराना में इकरा हसन है। तो क्या कारण है, वो तीनों विधानसभाओं को लेकर साथ क्यों चल रहे हैं? हालांकि उनकी सहारनपुर में एंट्री नहीं हुई है, क्योंकि कैराना लोकसभा में नकुड़ और गंगो भी है। तो आपको क्या लगता है, क्या प्रसन्न चौधरी चाहते हैं कि उनकी टिकट हो? अगर टिकट होती है तो जो दूसरे नेता हैं, जैसे सामने जो रहेंगे प्रदीप चौधरी, अगर प्रदीप चौधरी की टिकट होती है तो, या फिर वीरेंद्र सिंह, क्या उस दौड़ में आगे निकल पाएंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों का मानना ये भी है कि कैराना लोकसभा जो है गुर्जर बाहुल्य सीट है। है भी है सही, गुज्जर बहुल्य ही है, अरे कई बार गुज्जर समाज के लोग ही जीत लिए भाई, पहले अख्तर सन्जी रहे, उसके बाद मनोवर सन्जी रहे, तबस्सम सन्जी रही भाई, बाबूजी ऊधम सिंह रहे, कई बार सीट अलग अलग पार्टियों से भी यही लोग जीत रहे। और रही प्रसन्न का सवाल, वो गठबंधन से टिकट होना कोई से कहीं एक कहीं होगा, मेरे ख्याल से अलग अलग तो टिकट होने पड़ेंगे। और प्रदीप पर तो ये सारे कैंडिडेट भारी हैं, कोई से कहो जो जब 2019 में पूर्ण बहुमत से मोदी जी प्रधानमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, तो उस समय भी लोगों का मानना यही था कि प्रदीप चौधरी का जीतना बहुत मुश्किल है, और लगभग लाखों वोटों से वो जीते। अगर लाख में 50,000 भी नाराज है तो 50,000 वोट तो उनको मिलेगा। तो अभी भी जीत के आंकड़े बताए जा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की जीत कैराना विधानसभा लोकसभा पर दिखाई जा रही है, और दिख भी रही है जैसा जनता बोल रही है। क्योंकि जो आम जनता है, जो लेबर है, वो तो सारा का सारा एक तरफा ही बीजेपी को वोट कर रहा है। अब वो किस कारण कर रहा है, क्योंकि उनको फ्री अनाज मिल रहा है, मुस्लिमों से सुरक्षा मिल रही है, जो वो बता रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या प्रदीप चौधरी अब की बार जीत पाएंगे? कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर इकरा हसन आती है तो जीतना नामुमकिन है। तो आपको क्या लगता है इसमें कैसे बदलाव हो सकता है? क्या कैराना लोकसभा पर अब की बार दोबारा से फिर शामली जिले का ही कैंडिडेट जीत पाएगा? हो सकता है। देखो प्रदीप जैसे कैंडिडेट तो नरेंद्र मोदी की वजह से ही चुनाव जीतते हैं, क्योंकि एक लहर थी प्रधानमंत्री की 2014 में, तो एक तरफा प्रचंड बहुमत था, मीडिया ने भी पहले घोषित कर दिया था कि बीजेपी गवर्नमेंट बन रही। और मेरा तो यूं मानना है, मेरा अपना दोबारा का जो चुनाव हुआ उसमें भी प्रधानमंत्री की लोकप्रियता ने चुनाव जीता, लेकिन इस जनता ने देख लिया, जनता ने दूसरा कार्यकाल भी देख लिया, महंगाई के मुद्दे आसमान छुरे और कोई उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा, किसी भी मामले में उठा के देख लो, कृषि के मामले में उठा के देख लो, किसान आज इतना बर्बाद है, किसान के हाथ में कटोरा है, वो अपने बच्चे ने अच्छे स्कूल में पढ़ा नहीं सकता, फीस नहीं दे सकता, दो दो बच्चे नहीं पढ़ रहे दो दो आज की घड़ी, क्योंकि उनकी फीस, उनके खर्चे, मोबाइल के खर्चे, कपड़ों के खर्चे, जूतों के खर्चे, भाई 3 दिन का पेमेंट मील भेजिए,
पेमेंट कितना आया इसके साल का? 19 दिसंबर, 8 नवंबर में मेल चला था, 22 और 19 41 दिनों का पेमेंट आया, और लगभग 41 दिन से ऊपर मेल थमे हुए ना बोलिए, एक दिन का ही एवरेज है ना। इब हमारे क्षेत्र में टोटल किसान सीमांत है, बड़े किसान नहीं है, ज्यादा से ज्यादा कितने होंगे 5%, और सीमांत किसान का आपने बताया अगर 10 बीघे का 15 का 20 का उसके खेत में कितने गेंडों की ट्रेली हुई 15, और 15 ट्रेली उसकी 6 महीने में तुली, एवरेज आओगा 15 दिनों में एक, यह तब भागता 2 आएगी अगले 15 दिन खाली लिकट के, पेमिट आवे 3 दिनों का 4-5 पेमिट जाएगा, एक ट्रेली गेंडो के आए जिसके 22-24 हजार रुपये उसके पास आए, वो ही काम रह गया, वो नून तेल लकड़ी ले या भैंसों की खड़ ले आवे, बिजली का बिल भरे, खेत का बिल भरे, या और क्रेडिट कार्ड के ब्याज भरे, भाई खाद भी है, बच्चों की फीस, तो कहाँ से जीवन यापन करने का कौन सा तरीका है, कैसे करे किसान, कहाँ जा? सरकार तो कह रही है मदद कर रहे हैं किसान की, क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं, 2000 रुपये भी दे रहे हैं, और भी बहुत सारी चीजों हमने राहत कर दी, तो क्या दिक्कत आ रही है? सरकार से नाराजगी है किसानों की, या फिर सचमुच ही सरकार का ध्यान किसानों की तरफ नहीं है? किसान तो बिल्कुल भी सरकार से नाराज नहीं होना चाहता, किसान तो मजबूर है, मजबूरी में नाराज है, क्योंकि किसान के लिए सरकार कुछ सोच नहीं रही। आपको एक छोटी सी बात बता दूं, जब ये बाल मेरी उम्र 40 साल है, जब मेरी उम्र 20-21 साल की थी, उस टाइम में हम 9 रुपए का तेल लिया करते थे 5 लीटर, 10 का नोट घर तक मिला कर था, 5 लीटर तेल लिया करते थे दुकान पर, 1 रुपया बच जा कर था, कितना रेट था तेल का? 2.25 रुपए लीटर, आज तेल का रेट है 100 रुपए लीटर, पेट्रोल का कुछ ऊपर, गैस सिलेंडर 2010 के 8 के दौरान 294, 280, 285 यानी 250-300 के बीच में चलता रहता, उसमें सब्सिडी थी, आज गैस सिलेंडर 1000 रुपये पे है, कभी 10 रुपये ऊपर हो जाए, कभी 10 रुपये नीचे, कोई सब्सिडी नहीं है। उस टाइम में मेरी जो माँ थी, चाची ताई थी, वे चूल्हे में लकड़ी जलाया गया अपना गुजारा कर लिया करे थी, और गैस की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। आज सरकार ने सिलेंडर फ्री दे दिए, हमारे भी सिलेंडर हो गया, तारा भी हो गया, फलाने का भी हो गया, लेकिन हमारा इतना बजट तो नहीं, 1000 रुपये हम कहाँ से लिया हैं, भरवा में कैसे, ये भी एक कर्ज ही सीढ़ लग रहे हूँ हम, उन्होंने भरवाने लग रहे या किसी पता ब्याज पर ले या बैंक में ले, तो कहाँ था पूरा पटावा, कोई सिस्टम बनता नजर नहीं आ रहा। पशुओं के बारे में आप ले लो खड़के रेट, अगर कोई भी आप बांट बंटा तैयार करोगे 40-50 रुपए किलो तैयार होगा आपका, दूध का रेट कितना है 45-50 रुपए किलो, एक भैंस अगर सही तरीके से हम उसे राशन घेरे 10 किलो राशन हो गया 500 रुपए का, और 20 किलो उसका भूस हो गया 15 रुपए किलो भूस है, कितने का हो गया 300 रुपए का, तो 800 रुपए की एक भैंस की लागत है, रोज की लागत है, रोज की लागत है, दूध करो 6 दूध की होगी 12 किलो दूध दे दिया उसने 600 रुपए का, 200 रुपए किसान आज घटा रहा माइनस में, किसान के बच्चे के हाथ में दही का कटोरा लस्सी का गिलास दूध का गिलास ही तो था, यू भी छीन गया क्योंकि हमारे बजट में रखनी रही नहीं, कहाँ रखेंगे, कैसे जीवन यापन करें, कैसे खिलावन से फसोत है। सरकार का हिटअप कोई रुझान नहीं, सरकार ने इस पे भी MSP बनानी चाहिए थी, एक मुद्दा छुट्टा पशु का है, अगर सरकार इसका भी बजट बनाती और गाय का दूध भी मैच के बराबर कर देती तो एक का सारे पकड़ का बांध लगते, एक भी सड़क पर नहीं घूमने की, अगर मैच कर गाय का दूध में भेदभाव ना हो और दोनों का रेट एक हो जा तो कोई नहीं छोड़ने का, घरों बंदा का दूध पियो, तो यहाँ सरकार की विफलता है। अब आपको क्या लगता है सरकार बदलेगी, क्योंकि 2024 का चुनाव नजदीक है और कांग्रेस पार्टी जो है
नई नई बातें लेकर आ रही है। वो पशुओं के लिए भी बात करेगी, किसानों के लिए बात करेगी, और लगभग 70 साल, जैसा कि मोदी जी कहते हैं 70 साल इन्होंने राज किया है। तो आपको क्या लगता है, क्या चेंजिंग हो पाएगी अगर कांग्रेस पार्टी सरकार बना पाती है 2024 में, तो क्या कुछ चेंजिंग हो पाएगी? चेंजिंग तो बिल्कुल हो पाओगी अगर सरकार कांग्रेस की बनती है। एक तो भाईचारा सुधर जाओ, ये भी कहीं ना कहीं सरकार की देन। और चेंजिंग इसमें यह है कि इन्होंने किसान के लिए, पशुओं के लिए कोई बजट नहीं बना। पिछली बार हमारे प्रधानमंत्री ने बजट में 600 करोड़ रुपए दिए थे। मेरे ख्याल से 29 स्टेट हैं, 23 स्टेटों में खेती हो, तो 23 में 600 करोड़ में क्या बंटा हुआ? कुछ भी तो बजट नहीं है। 600 करोड़ का बजट तो केला चाहिए शामली जिले में। अगर हमने उद्धार करना किसान का, अब किसान के पशुओं के लिए भी बजट बनाना पड़ेगा और किसान की खेती के लिए भी बजट बनाना पड़ेगा। टेम पे इसका गन्ने का पेमेंट मिले, फसलों के वाजिब दाम मिल जा और टेम पे खाद उपलब्ध हो जा। किसान ने तो यही चाहिए, किसान ने 2000 भी नहीं चाहिए, किसान ने कर्जा माफ भी नहीं चाहिए, किसान तो टेम पे ब्याज देने वाला। किसान के घर के आगे जी बैंक वालों की गड्डी आ जाना तो किसान शर्म तो मर जा। सोच रहे ये क्यों आ गए, इन तक कहीं तभी ले गए, अपना यू ब्याज बंटा दे गए, अपना अल्टी पल्टी करवा ले। और किसान का लोन कितना है, कितनी शर्म की बात है। किसान की 10 लाख रुपए की 1 बीघा धरती, उस पर हमारी सरकार 20,000-22,000 रुपए हमारा फाइनेंस करती है क्रेडिट कार्ड के लिए, और एक बढ़िया की दुकान के लिए करती है 50 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए की लिमिट। पीछे ले बिजनेस ना बढ़ा, कितना ही कर ले, हम क्या कर लेंगे भाई 20-22 हजार में? फर्ज करो हमारे पास 20 बीघे धरती है, हमने ले लिया 2 लाख रुपया क्रेडिट कार्ड, क्या करेंगे भाई इसमें? 2 मैच ले आऊंगे, इतने ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। फसल में कीड़ा सा आ गया, वो ले बैठेगी उसने। इसकी बार इतना कीटनाशक फसल में लग रहा, फिर भी कोई चारा नहीं बन रहा, फिर भी फसल बर्बाद ही है। तो सरकार का किसी एक संदर्भ में कोई कदम है नहीं, बिल्कुल। आप कह रहे हैं जैसे किसान जो है उधार ले रहा, क्रेडिट कार्ड है, और भी गांव से उसने पैसा उठा रखा था, वो सोचा है कि मैं अपना पूरा कर दूं, तो ये कैसे दूर किया जा सकता है? जो किसान है उसकी जो समस्या है वो कैसे दूर हो सके? किसान की समस्या अगर सरकार समझे, किसान के लिए भी किसान की 5 बीघे धरती का 1 एकड़ हो, 1 एकड़ पे 5 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड होना चाहिए और 0% ब्याज होना चाहिए। एक तो किसान का फाइनेंस सबसे बड़ा ही होगा। नंबर 2, किसान का टेम पे खाद उपलब्ध होना चाहिए। जी फसल का टेम आवे खाद नहीं मिल पाता, किसान घूमता धक्के खाता फिर हो जा, फिर बाद में उपलब्ध हो उसका क्या करें, टेम पे उपलब्ध नहीं हो पाता। दूसरी समस्या सबसे बड़ी किल्लत। तीसरी किल्लत, किसान का बिजली का बिल फिलहाल बजट में नहीं है, और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी ये कहा था कि किसानों का बिजली का बिल माफ किया जाएगा, बिजली फ्री दी जाएगी, सिंचाई फ्री होगी, यू वादा भी था संकल्प पत्र, लेकिन वो करा नहीं इन्होंने। अगर किसान की बिजली फ्री मिल जा तो एक हर परिवार पते सालाना 25-30 हजार रुपए का बोझ यू कम हो जाएगा। नंबर 4, किसान का जैसा पशुओं के लिए है, अंग्रेजी देशों में पशुओं के लिए 70%-80%, बल्कि अमेरिका में तो 90% सब्सिडी है सरकार देती है फार्मिंग के लिए। तो यहाँ सरकार फार्मिंग के लिए 50% सब्सिडी उपलब्ध करवावे और एक नई इकाई लगावे पशुओं के दूध के लिए, ये भी एक किसान का उद्धार है। नंबर 5, किसान कभी भी नहीं चाहता किसान के हमें सरकार 2000 दो 4000 दो, किसान की फसलों के दाम 15 दिनों में कहे सरकार 1 महीने में मिल जो, सरकार नहीं मर, वो किसान नहीं मरने का बिल्कुल भी। किसान का तो जैक लगता चला जाएगा, किसान ने तो ये चीज चाहिए और किसान ने कोई चीज नहीं चाहिए।
किशनगंज से जो तक गुजारा हो जाओ, मेरा तो ये कहना है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, और किसानों के लिए उन्होंने अपनी बात बताई कैसे सरकार अगर चाहे तो किसानों की जो समस्या है उनको दूर कर सकती है। 5 बातें इन्होंने बताई, उदाहरण दिए, विदेशों के उदाहरण दिए, और सबसे जो इसमें अहम बात है वो जो हमारे घर में भैंस होती है उनको लेकर है। भले ही पेमेंट लेट हो जाए, 10 की जगह 15 की जगह 1 महीना हो जाए, लेकिन गन्ने के साथ साथ दूध के जो पेमेंट है वो अच्छी हो जाए, उससे घर का गुजारा अच्छी तरीके से चल सकता है और उससे किसान मजबूत हो सकता है। धन्यवाद।